आज भी आप बहुत भाग्यशाली हो कि चौधरी चरण सिंह के प्रदेश में आप पैदा हुए हो। बहुत भाग्यशाली लोग हो कि आप उस प्रदेश में पैदा हुए हो जिस प्रदेश में चौधरी चरण सिंह जी पैदा हुए थे। आज उन्होंने जमींदारी का उन्मूलन न किया होता, जमींदारी का विनाश न किया होता तो शायद खेत पानी का आवलोन न हो पाए। हम अपने सही त्याग आज बिहार में भी अभी चले जाओ, मध्य प्रदेश में चले जाओ, एक आदमी के पास 1000 एकड़ खेत है, एक आदमी के पास 1 बीघा नहीं। धन्य चौधरी साहब जो इस धरती पर पैदा हुए, जिन्होंने जमींदारी उन्मूलन करके कानून बना करके सबको खेत का मालिक बना दिया और लेखपाल साहब भी लेखपाल बन गए, नहीं थे लेखपालों ने बन पाए। हाँ आपको पता होगा था सब। हाँ ये काम आज कौन सी ऐसी जाति है आपके गांव में, कई जातियों के लोग लेखपाल हैं नहीं है। अब चौधरी साहब का ये कानून था और इसलिए इन बातों को कहने के लिए हम लोग आपके बीच में आए। पेंशन इन्होंने समाप्त कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, सरकारी नौकरियां समाप्त कर रहे हैं, आरक्षण समाप्त कर रहे हैं, निजीकरण करते चले जा रहे हैं। जो नौ रत्न आते थे ये देखिए एस पी यादव बैठे हैं, ऐसे थोड़ा बैठते हैं, जबरदस्ती इनको रिटायर कर दिया जबरदस्ती। ये हालत है, कह रहे हैं 50 साल, अभी वो क्या कहने जा रहे हैं कि समूह गांव और घा की नौकरियों में हम 6 साल अस्थायी रखेंगे और हर 6 महीने पर टेस्ट लेंगे, अगर आप सफल रहे 6 साल तब आगे रेगुलर करेंगे। तो बताओ कोई कलेक्टर और कप्तान का बेटा समूह गांव घा की नौकरी नहीं करता। हमारे यहाँ जैसे मध्यम परिवार के ही बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे, किसान के बच्चे समूह गांव और घा की नौकरियाँ करते हैं। आपको 6 साल 5-5 महीना पर टेस्ट लेंगे, 30 साल में आप भर्ती हो गए, 5 साल टेस्ट लेते रहेंगे, जब 36वां साल आएगा निकाल बाहर कर देंगे, तो आपकी हालत क्या हो जाएगी, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट, न वो बच्चा नौकरी करने लायक रह जाएगा, न वो खेती करने लायक, वो खेती खत्म कर दे रहे हैं, सारे खेत के मालिक अडानी अंबानी हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे खेती होगी, उनकी मर्जी से आप फसल बोएंगे, वो अपनी मर्जी से खरीदेंगे, 1 साल गोदाम फुल कर लेंगे, दूसरे साल कहेंगे हमको जरूरत नहीं था, आप क्या करेंगे, दूसरे साल आप भी कह देंगे कि हम बिना खाए रह लेंगे। ये इतनी गंभीर समस्या इस देश में, इसलिए हमारा आपसे कहना है हमको आपको जागरूक होना पड़ेगा। अगर हम आप जागरूक नहीं हुए, चेते नहीं, सरकार की गलत नीतियों का विरोध नहीं किए, तो याद रखिएगा हमारी आपकी संतानें, हमारा आपको तो बीत जाएगा जो बीतना था बीत गया, हमारी आपकी संतानें हमको माफ़ नहीं करेंगी। वो कहेंगी कैसे हमारे पूर्वज थे कि जो सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही थी वो खड़े नहीं, इसलिए हम आपके बीच में आ जाए हैं। अभी हमें बार बार फोन आ रहा है, कई गांव में जाना है। मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय